और आज हम बात करेंगे अपने घरों की। यस, हम लोग बात करेंगे मैरिज की, और मैरिज में जो स्पाउस हैं एक दूसरे के लिए वो कैसे केयर करते हैं, खास तौर से उनकी प्रार्थना की ज़िंदगी के लिए। तो हमारे जीवन साथी की प्रार्थनाओं में कितना सामर्थ्य होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड आज हम वचन से देखेंगे कि प्रभु जीवन साथी स्पाउसेस के लिए क्या बोलते हैं और प्रार्थनाओं के लिए क्या आदेश है हमारे लिए। एक पत्रस 3:7 में वचन ये कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जैसे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन 31:30, वहाँ पे वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। दोस्तों, आपने ये दोनों वचन देखे, ये दोनों वचन हमें अपने जीवन साथियों के बारे में आदेश देते हैं और उनकी स्वभाव के बारे में एक बड़ा अच्छा इमेज देते हैं। आप लोगों ने बुलक कार्ट बैलगाड़ी तो देखी होगी, और उसमें दो पहिए देखे होंगे जो दोनों साइड होते हैं, और दोनों पहिए एक सिंक्रनाइज तरीके से एक साथ चलते हैं, तभी जाके वो बैलगाड़ी आगे चलती है। और जो उनका बैलगाड़ी चलाने वाले चालक होते हैं और जो आगे बैलों को हकलाते हैं, आगे खींचते हैं, उस हिसाब से दोनों पहिए साथ घूमते हैं। उनमें से एक भी पहिया अगर टूट गया तो बैलगाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। एंड आप देखिए, मैरिज इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली लाइक दैट व्हील एक्सल और बोथ द व्हील्स, बोथ दोनों पहिए की तरह। अगर साथ में सिंक्रोनाइज तरीके से चल रहे हैं तभी मैरिज आगे बढ़ेगी, नहीं तो टूट कर वहीं पर रुक जाएगी मैरिज। हमने पत्रस के वचन में देखा, पत्रस के द्वारा प्रभु कहलवाते हैं कि पतियों, तुम अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनको प्रेम रखो, वो सारी बात ठीक है, मगर आपने नोट करा कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा नहीं आएगी। दैट्स द पावर ऑफ अ प्रेइंग स्पाउस। अगर हमारा जो जीवन साथी है मेरे साथ आदर करता है, मेरी बातों को जानता है, मेरी भावनाओं को समझता है या समझती है, और जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं में कभी विलंब नहीं होगा, कभी नहीं रुकेगी। खास तौर से पतियों के लिए बोला गया है। और नीति वचन के पाठ में हमें देखने को मिलता है, जो बेहतरीन स्त्री वो है जो प्रभु का भय मानती है। शी इज इवन मोर ब्यूटिफुल देन द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, जो प्रभु का भय मानती है। तो आप समझ सकते हैं कि पत्नियों के बारे में लिखा है कि अगर वो प्रभु से भय रखते हैं, और पति लोग जो प्रार्थनाओं में बने रहते हैं मगर अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो मैरिज भी वैसे ही चलेगी जैसे बैलगाड़ी बुलक कार्ट की तरह, जो कभी नहीं रुकेगी, न कभी टूटेगी, साथ में चलती जाएगी। जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पति हैं, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द ब्राइड, एंड वो एक दिन आना चाहते, एक दिन आएंगे और अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे। मेरा और आपका कलीसिया का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कलीसिया की सुंदरता में शामिल हों, सो दैट व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम्स टू टेक हिज ब्राइड, वी शुड प्रेजेंट हर इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे। एंड वो सब तभी हो पाएगा कि हम लोग प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, वो सब तभी हो पाएगा कि हमारे एक दूसरे के प्रति स्वभाव अच्छे बने रहेंगे, वो सब तभी हो पाएगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार रहेगा। एंड आई होप that this word of encouragement will not only just encourage you, balki change your prayer life as a couple and bring much power, much strength in your marriage. Dosto, jaise aapne suna, aaj Manav ne bataya ki it is very important to work together as a team, alag alag se nahi, but pray for your spouse every single day. और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए, तो आप हमारी प्रेयर लाइन 9910401010 पर कॉल करें, हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे फॉर योर स्पाउस। आप हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस या वॉइस नोट्स ऑन व्हाट्सएप।